गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लगभग इस चैप्टर के इन पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं, मतलब जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्रूविंग प्लान चल रहा है, इसके लगभग सभी तथ्यों को हम समाप्त कर चुके हैं। और आज हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके हैं उनको खत्म करेंगे, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया जाता है, कमेंट्स लिखने के लिए दिया जाता है, तो उन्हीं शॉर्ट पॉइंट्स को आज हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं जिसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस या आनिषेक फलन या आनिषेक जनन बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस या आनिषेक फलन। ओके, पार्थिनोजेनेसिस या आनिषेक फलन होता क्या है ये रियल में? तो देखिए, आनिषेक फलन तो छोड़ो, फलन का मतलब फल से ही है, आनिषेक मतलब कि बिना निषेचन के, मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना आनिषेक फलन कहलाता है। निषेचन के बिना फल का निर्माण होना आनिषेक। तो हम अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बिना निषेचन के फल या बीज का परिवर्धन होना आनिषेक फलन या आनिषेक जनन कहलाता है। मीन्स पार्थिनोकार्पी। ये इसकी डिफिनेशन है, या आनिषेक जनन भी लिख दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो दूसरा है। समझने में समझ का फेर हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, पार्थिनोकार्पी या आनिषेक फलन या आनिषेक जनन होता है क्या है रियल में? बिना निषेचन के फल या बीज का परिवर्धन होना आनिषेक फलन या आनिषेक जनन कहलाता है। अब कॉमनली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है तो निषेचन के उपरांत, देखिए जब निषेचन होता है तो मीन्स फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होगा, बीजांड से बीज बनेगा, और अंडाशय से फल बनेगा। ठीक है, तो ज्यादातर जो ये आनिषेक जनन होता है ये बीज रहित फलों, मतलब जो बनेंगे फल इसमें वो बीज रहित बनेंगे। अब देखो, डिफिनेशन से तो आप जान गए कि बिना निषेचन के फल या बीज का परिवर्धन होना आनिषेक फलन या आनिषेक जनन कहलाता है।
अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक तो हैप्लॉयड पार्थेनोजेंसिस होता है, दूसरा डिप्लॉयड पार्थेनोजेंसिस होता है। हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एंड सेकेंड इज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ओके, दिस इज द टू टाइप्स, हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को। तो हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण एग सेल या एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉयड सेल द्वारा होता है। हैप्लॉयड सेल द्वारा होता है तो हम इसे हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण का निर्माण एग सेल या एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉयड सेल द्वारा। जब भ्रूण का निर्माण एग सेल या एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉयड सेल द्वारा होगा तो हम इसे हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। और डिप्लॉयड की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड में सेम इसका अपोजिट हो जाता है। डिप्लॉयड में तो स्टूडेंट्स, डिप्लॉयड में क्या होता है कि बीजांड के मीन्स ओव्यूल के बीजांड के किसी भी स्तर की कोशिका बीजाणु किसी भी शरीर कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करना द्विगुणित आनिषेक फलन कहलाता है। इस तरह से देखो, हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण एग सेल या एम्ब्रियो सैक के हैप्लॉयड सेल द्वारा होता है, इसीलिए इसको हम हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हैप्लॉयड सेल से होगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। और यहां पे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि बीजांड के किसी भी स्तर की कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम ड्यूअल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब इसे द्विगुणित अगुणित कोशिका, इससे पहले ही क्लासेस में आपको कई बार बताया जा चुका है तो आप जानते होंगे, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि रिपीट करूंगा तो ये मतलब ये क्लास काफी लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस मीन्स आनिषेक फलन या आनिषेक जनन होता क्या है। बिना निषेचन के फल या बीज का परिवर्तन होना आनिषेक फलन या आनिषेक जनन कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि भ्रूण का निर्माण जो होगा एग सेल या एम्ब्रियो की हैप्लॉयड सेल के द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब हैप्लॉयड फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉयड सेल द्वारा होगा, हैप्लॉयड सेल द्वारा।
बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में डिप्लॉयड सेल द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा, यहां भी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो डिप्लॉयड में कह रहा है कि बीजाणु के किसी स्तर की कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करना द्विगुणित आनिषेक फलन कहलाता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, आनिषेक जनन और इसके प्रकार। आनिषेक जनन तो जान गए, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण या फल का निर्माण, ठीक है। और ये दो टाइप का आपका हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।